नमस्ते, कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? आप कहेंगे ये तो वही हैं जो कहानी लेकर आती हैं। और कभी कभी आप ये भी सोचते होंगे कि हम कहानी सुने या कक्षा में पढ़ें तो चार दीवारी के बीच में ही रहकर क्यों पढ़ें, क्यों ना खुली हवा में जाएं, हरी भरी धरती का मजा लें। इमेजिन कर पा रहे हो? कल्पना कर पा रहे हो? ये चित्र देखो तो कितना सुंदर चित्र है, हरी भरी वसुंधरा। और इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पक्षियों की चहचहाट की कल्पना कर सकते हो आप। लो, देवदार का पेड़, पाइन कोन, पाइन शंकु और दो बच्चे हैं। एक है छोटी सी बच्ची जिसने लाल रंग का फ्रॉक पहना है। ये क्या कर रही है? पेड़ को गले लगा रही है। अब मुझे कई बार ये लगता है कि जब हम ऐसी हरी भरी दुनिया में जाते हैं और पेड़ों पर पक्षियों को देखते हैं तो ये पक्षी आपस में क्या बात करते होंगे? क्यों भाई, आज नाश्ता तो अच्छा हो गया, दोपहर में क्या खाएंगे? सोच कर देखिए ये पक्षी आपस में क्या बात करते होंगे। तो इस चित्र में हमने पेड़ देखा, बच्चा देखा जिसने चश्मा पहना है, हाथ में उसके कुछ बड़ा सा पत्ता है, ये कुछ सोच रहा है। इसके पीछे मुझे एक छोटा सा जीव भी दिखाई दे रहा है। वो कौन सा जीव है बताइए? तो भाई ये तो हुई चित्रों की बात। आइए आपको लेकर चलती हूं एक सुंदर खुली जगह, ताजी हवा में, एक तालाब के पास। इस तालाब का नाम छोटा तालाब है। यहां तुम्हें कई जीव दिखेंगे, केंचुए, सांप, केकड़े, मेंढक, कन खजूरे और वो दो कछुए और उनके साथ बच्चे, ये मछलियां पता नहीं कितनी होंगी और मच्छर जैसे तो कई उड़ाकू तुम्हें यहां मिलेंगे। उड़ाकू मतलब उड़ने वाले तितलियां। अरे वो गिलहरी भी तो है। ये चींटियां हर जगह आ जाती हैं और कभी कभी तो छिपकलियां और गिरगिट भी इधर चले आते हैं। तालाब के किनारे ये पेड़ है, इस पर मकड़ियों के जाले हैं और चिड़िया, उनका तो पूछो ही मत। कौवे, मैना, तोते, किंगफिशर और वो फाख्ता। आजकल सर्दियों के दिन हैं, मैं रोज इस तालाब को देखने आती हूँ। यहाँ इन दिनों सारस आए हुए हैं। इस छोटे से तालाब पर खूब चहल पहल है। थोड़े दिनों बाद सारस चले जाएंगे और तब इस तालाब को इन सब की कितनी याद आएगी। तो लौट आए हम यादों की दुनिया से। सच बताऊं तो लौट आने का दिल मेरा बिल्कुल नहीं था। भला किसका दिल करेगा ऐसी सुंदर सी जगह से लौट कर आने का? पर आपसे जो मिलना था, बातें करनी थी। क्या आप भी थे वहां मेरे साथ? मैं तो ख्यालों में थी, पर मैंने आपको सब बताया जो मैंने वहां देखा। तो बताइए, आपने फाख्ता पक्षी का नाम सुना था? तो फाख्ता पक्षी दिखने में कैसा होता है? कबूतर जैसा होता है। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में से कहते हैं स्पॉटेड डव। और किंगफिशर आपको याद है? तो किंगफिशर की चोंच सोचिए लंबी क्यों होती है? भाई वो उसके शिकार में काम आती है, मछलियां पकड़कर खाता है। तो ऊपर वाले ने जो जीव जैसा बनाया उसके पीछे कारण है। अगर चोंच लंबी है या शरीर पर बाल हैं या पूंछ छोटी बड़ी है तो हर अंग के, हर चीज के कुछ ना कुछ फायदे हैं जो जीव को जंगल में रहने में मदद करते हैं। जिस तालाब पर मैं थी, सोचकर बताइए उस तालाब को छोटा तालाब क्यों कहते होंगे?
क्या उसके आकार को देखकर छोटा कहते होंगे। ऐसे था बहुत सुंदर वो तालाब, और मैंने बहुत सारे जीवों का जिक्र भी किया था। तो इस छोटे से तालाब में कौन कौन से जीव हैं? आपकी मदद के लिए मैं आपको बता दूं, मुझे केचुए भी दिखाई दिए थे, केकड़े भी दिखाई दिए थे, और मेंढक भी थे। बाकी जीव आपको याद होंगे तो अपने दोस्तों से पूछो, और जो आपको याद है वो अपने दोस्तों को बताओ। और कभी आपने सोचा कि तालाब के पास इतने सारे जीव क्यों रहते होंगे? मुझे लगता है कि वो पानी पर निर्भर रहते होंगे, इसलिए सब तालाब के नजदीक रहते होंगे। और जब मौसम गुजर जाएगा, तालाब को किन की याद आएगी और क्यों? इसलिए तालाब को भी किन किन की याद आएगी जब मौसम गुजर जाएगा सर्दियों का, तो ये आपको सोचकर बताना है। पर उड़ाकू का क्या मतलब हो सकता है, उड़ाकू का क्या अर्थ हो सकता है? मैंने कहा था मच्छर जैसे कई उड़ाकू तुम्हें वहां मिलेंगे। तो उड़ाकू शब्द में पहला हिस्सा है, पहला भाग है उड़ा, और यानी कि वो छोटे 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 कीड़े, वो छोटे छोटे मकोड़े जो उड़ सकते हैं। तो मच्छर उड़ता है ना, तो इसीलिए हमने उड़ाकू शब्द का इस्तेमाल किया। अब हम तालाब के अनुभव को ही याद कर रहे हैं, तो जरा ये देख लें कि आपने अच्छे से सुनी मेरी बात कि नहीं सुनी, कहानी का लुत्फ उठाया कि नहीं उठाया, और फिर अगले दिन आकर कक्षा में अपने सभी सहपाठियों को और अपनी अध्यापिका को बताइए। और आप सभी लोग फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खिले रहिए, और अच्छे अच्छे से पढ़ते रहिए, और मुझे दोबारा मिलिए। मैं मिलूंगी आपसे एक और कहानी के साथ और मजे मजे के खेल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।